हेलो गाइस, दिस इज सुरभि। वेलकम टू सुजिन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस टू ऑल। और आज विदांश का फर्स्ट क्रिसमस है, तो आज मैं विदांश को सेंटा बनाऊंगी। और देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा होता है। मैंने सोचा आज का आज शूट कर लेती हूँ। थोड़ा मैं उठ गई थी जल्दी, बट वैसे तो खैर अभी टाइम हो गया है 8:30 के अराउंड हो चुका है। और बस नाश्ता वगैरह करूँगी, और बस अभी उठी थी मैं, और वेदांश अभी भी सो रहे हैं। देखो, ठीक है, तो व्लॉग में बने रहना, व्लॉग पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं व्लॉग में। मैंने वेदांश का क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर दिया है, बट अभी मुझे उसकी ना लाइटिंग एक्चुअल में अच्छी नहीं लग रही, तो मैं सोच रही चेंज कर दूँ, बिकॉज कि वो ना ब्लू है। मेरे को, मैं सोच रही हूँ ऑफ वाइट या दूसरी कलर की लाइट्स लगा देती हूँ। अभी दिखाती हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है, आप बताना, फिर चेंज कर दूँगी, उसके बाद भी दिखाऊंगी। ठीक है, व्लॉग में बने रहना, पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। आप देख सकते हो मेरी क्रिसमस विदांश को मैंने ट्री सजा दिया है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मैं ट्री लेके आई थी। कुछ मैंने इस तरह से ऐसे डेकोरेट किया है, बहुत छोटा सा मैं ट्री लेके आई थी विदांश के लिए, क्योंकि मुझे मन था। इसकी लाइटिंग चेंज कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये लाइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसकी लाइटिंग चेंज कर दूंगी। प्लीज़ मेरे करनाल वाला ब्लॉग ज़रूर देखना, आप सबने देखा ही होगा। प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ब्लू लाइट्स लगा रखी थी, बट मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने लाइट चेंज कर दी है। आप सब देख सकते हो कितना अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरा टेडी बियर है छोटू शाह, और कान्हा जी, गायें हैं, महाकाल है, और क्रिसमस ट्री है। देखो कितना ब्यूटीफुल। ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने विदांश के लिए किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने विदांश के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ट्री लिया है, और ऐसे सेंटा क्लॉज छोटा सा लगाया है, और ऐसे डेकोरेट किया है, सिर्फ मैंने अपने बेबी के लिए किया है। ये देख सकते हो आप सब लोग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी क्रिसमस ट्री पे थोड़ी सी स्नो गिर दी है, जैसे कि स्नो गिर रही है, बहुत ध्यान से देखना आप सब। मैं सेंटा बार बार नीचे गिर जा, अब ठीक है, सेंटा देख सकते हो आप सब। हाँ जी गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो आज क्रिसमस है, और तो फिर रिंकू जा रहे हैं आज बालाजी और दादी को लेने राजस्थान, तो फिर वो घर पे होंगे नहीं, तो हम घर पे बोर होंगे, तो हम जा रहे हैं मम्मी के घर, विदांश नानी हाउस में मम्मी के घर। तो हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, आपको मैं दिखाती हूँ, हमारी पैकिंग हो चुकी है, पैकिंग हो चुकी है हमारी। बस अब हम मैं अब थोड़ी देर में रेडी होंगी, और विदांश तो हो रहा है दादी माँ के पास, फिर विदांश को रेडी करूँगी, सेंटा बनाऊँगी, और फिर रेडी होके बस फिर निकलते हैं थोड़ी देर में। जब तक रिंकू ऑफिस से आ जाएंगे, व्लॉग में बने रहना, पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। मैंने सारा सामान डाल लिया जो जो मेरे को चाहिए था, आप सब देख सकते हैं सब कुछ। ओह शिट, अभी नेबुलाइजर मशीन लेके जानी है विदांश के लिए। विदांश को बहुत ठंड लग गई है थोड़ी सी, मतलब बहुत नहीं, थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी उसकी परसों रात को उसकी बहुत ज़्यादा रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब खांसी बहुत ज़्यादा उसको हो गई थी, उसको रोए जा रहा था, मतलब पता नहीं चल रहा था क्या हो गया, पेट में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ नहीं पता। तो हम डॉक्टर के पास लेके गए रात को ही 1:30 बजे, फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको स्टीम वगैरह दो नेबुलाइजर से, तो हमने नेबुलाइजर लिया विदांश के लिए। तो नानी के घर जाएंगे तो हम वहाँ पे भी देंगे, पूरा ध्यान रखेंगे हम नानी के घर जाएंगे तो विदांश का। ब्लॉग में पूरा बने रहना, तो ब्लॉग पूरा ज़रूर देखना। हाँ जी गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ, विदांश भी रेडी हो चुका है, बस मेरे को लिपस्टिक नहीं लगाना। बट विदांश बहुत रो रहा है, ये फोटोज क्लिक नहीं करवा रहा है, बहुत रो ही जा रहा है। बस इसको मम्मा चाहिए और कुछ नहीं, ये मेरे को कुछ काम नहीं करने दे रहा। मैंने पैकिंग भी इतनी मुश्किल,
अब मैं बस निकल रही हूँ मम्मी के घर। मम्मी केक कटिंग कर ली है, वेदांश का शूट कर रहा है, वो दिखाऊंगी वीडियो में। चलो मिलते हैं मम्मी के घर जाके, बाय। देख लो मेरा लुक कुछ इस टाइप से। हम जा रहे हैं नानी के घर, रिंकू आ गए हैं ऑफिस से, अब हमें छोड़ने जा रहे हैं। वेदांश सो गया, हमने केक कटिंग जल्दी जल्दी से कर लिया था फटाफट, और अब हम घर जा रहे हैं। इनको ड्राइव कर रहे हैं, देखो इधर, मैरी क्रिसमस। ठीक है तो हम घर जा रहे हैं। ठीक है घर चल के मिलते हैं। देख सकते हो मैं नानी, हम नानी के घर आ गए हैं, सब बहुत खुश हैं। ये देखो दादी इतनी खुश है कि मेरा पुच्छ विदांच आ गया, पापा खुश है, मम्मी खुश है। सब बहुत खुश हैं। और ये देखो मैं कितना सारा सामान लाई हूँ, और अभी मैं इससे डबल में जाऊंगी। अरे इसका वो दो पापा को, आप सब देख सकते हो सब कितने खुश हैं विदांश को देख। मामू को भी विदांश ने ट्रॉफी, फर्स्ट आएंगे, अच्छा पापा जा रहे हैं इसके, नहीं खाना बना रही है मम्मी अभी, हाँ ये आप सब देख सकते हो। मैंने अभी चीनू से मंगाए हैं पास्ता और भले पापड़ी। पास्ता की देख लो आप, ऐसे हैं मिक्स पास्ता। अब हम खाएंगे जोशू। मैं वंशु गुरुद्वारे गया है तो वंशु बाद में खाएगा, वैसे पापा हमारे लिए बना रहे हैं चिली पटाटो और वंशु खाएगा भले पापड़ी। ठीक है व्लॉग में बने रहना, पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। हाँ जी जैसे कि आप सब देख सकते हो, बस अब क्रिसमस हो ही गया है, अब रात हो चुकी है और अब बस मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, विदांश के साथ थोड़ा बिजी हो जाता है। और चलो ठीक है गाइस, ब्लॉग में बने रहना, पूरा ब्लॉग पूरा देखना। और ज्योत्सना भी सैंडविच बना रही थी, सैंडविच फॉर मी। ठीक है गाइस, ठीक है। और हाँ हाँ दिखाती हूँ। और लाइक करना ब्लॉग को, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। ओके गाइस मिलते हैं ब्लॉग में। चलो एक मिनट रुको, अभी दिखा दीजिए। जैसे कि आप सब देख सकते हो ये है बना रही है चीज़ सैंडविच, जोचना ये सब सामान पड़ा है, मक्खन चीज़ वगैरह। ठीक है गाइस देख लो इसको, ये थोड़ी बीमार है, मैं इसका हाल चाल पूछने भी आई हूँ। अब ठीक है फिर मेरे आने के बाद, हाँ डांटी रही है जब से आई है प्यार से। कोई नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, कर्तव्य है मेरा, हर बार प्यार करती है। चलो गाइस ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। मिलते हैं न्यू व्लॉग में जल्दी।